दर्शकों नमस्कार, इसमें मौजूद है जुलाना के रेलवे रोड पर। आप देख सकते हैं ओम शांति आध्यात्मिक केंद्र जुलाना के द्वारा नगर परिक्रमा की जा रही है। काफ़ी संख्या में शिव भक्त आज जुलाना की इस नगर परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। जो नगर परिक्रमा जुलाना के ओम शांति केंद्र से शुरू होकर पुराना बाजार होते हुए शादीपुर गाँव होते हुए जुलाना के प्राचीन शिव मंदिर तक जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं लगातार सुबह से ही ओम शांति केंद्र से जो परिक्रमा निकली थी, देख सकते बहुत ही सुंदर जाती है। यहाँ पर शिव भोले भंडारी बने हुए परिक्रमा की जा रही है। लगातार भक्तजन यहाँ पर नगर परिक्रमा में भाग ले रहे हैं, बने हुए हैं। लगातार उनके द्वारा बोला भी जा रहा है कलयुग जाने वाला है, सतयुग आएगा। देख सकते हैं महिलाओं की बात की जाए तो काफ़ी संख्या में इस नगर परिक्रमा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। सुबह से ही ये नगर परिक्रमा चली हुई है। जो आप दर्शन में देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में आज महिलाओं के द्वारा इस नगर परिक्रमा में भाग लिया जा रहा है। लगातार झंडा लहराते हुए नगर परिक्रमा में भाग ले रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। पूरी जानकारी इस नगर परिक्रमा की लेंगे आध्यात्मिक केंद्र की जो बहन जी उनसे बात करते हैं। आइए, शिव की महिमा का गुणगान किया जा रहा है जो इस मार्ग देख पा रहे हैं। मंजे किस तरह की प्रभात फेरी निकाली जा रही है? ये भाई जी शिव परमात्मा के जो आज भक्ति मार्ग के हिसाब से शिव जयंती है, तो शिव जयंती के उपलक्ष्य में शिव जयंती का अर्थ भी क्या है कि परमात्मा का इस धरा पर आना, जो हमारी गीता भी सिद्ध करती है इस बात को कि जब जब ऐ धर्म धरती पर आएगा तो परमात्मा लेंगे। तो आज के दिन परमात्मा इस सृष्टि पर आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी की शिव जयंती के उपलक्ष्य में आज ये प्रभात फेरी निकाली जा रही है। शिव जयंती का क्या महत्व है हमारे जीवन में? शिव जयंती का परमात्मा का अवतरण, यानी कि जी हम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए, अपने साथ वापस उस घर ले जाने के लिए जहाँ से हम आत्मा एक दिन वहाँ से आई थी, उसी के उपलक्ष्य में आज ये सब प्रोग्राम किया गया। ये प्रभात फेरी कहाँ कहाँ जाएगी? ये प्रभात फेरी यहाँ से होते हुए साधुपुर गाँव से और फिर अपने मेन सेंटर पंजाबी कॉलोनी वहाँ जाएगी। क्या नाम आपका? पूनम बहन।